फिर आ गए। और मेरे भाइयों कैसे हो आप लोग, आई होप कि सब बढ़िया हो गए। स्वागत है आप सभी का सोलो कॉन्कर रैंक पुश वीडियो में। आज की वीडियो में रहने वाले दो गेम प्ले, दो जॉर्ड लेवल गेम प्ले, जिनको देख के आप लोगों को हमेशा की तरह मोजा सा आ जाएगा। और बाकी चिकन लेग पीस अभी देखो बातचीत कर लीजिए अपने फर्स्ट गेम प्ले की। तो आप लोगों ने देखा लॉबी में अपने को एक ब्लड ड्राइवर वाले भैया जी मटकते हुए दिख गए थे। मतलब यार क्या एक्सूट है ब्लड ड्राइवर, इतना ज्यादा बढ़िया एक्सूट है, मेरे को सबसे ज्यादा बढ़िया वही लगता है। तो तुम्हारे भाई ने सोचा ब्लड ड्राइवर को भर के मस्त कंटेंट निकाला जाएगा ये। लेकिन यहाँ पे प्लेन पे नाम पढ़ने के बाद मेरे को पता चलता है कि वो मटकने वाला ब्लड ड्रैगन एक्सूट अपने स्वैगी भाई साहब थे। तो कोई बात नहीं, देखो अभी अपने को पता है अपन विवेक लाइव है, तुम्हें पता है कि अपन विवेक लाइव है, विवेक लाइव को पता है कि अपन विवेक लाइव है, लेकिन स्वैगी भाई को थोड़ी पता होगा। मर्जीत भाई आए क्या? विवेक लाइव मर्जीत भाई है? हां वही है। ओ लो भाई हो गया हमारा जीजी फिर तो। ले ओ, अभी स्वैगी भाई को भी पता चल गया कि विवेक लाइव मर्जिट वाइटी है। लेकिन जस्ट इग्नोर सिली थिंग्स, अभी देखो सबसे पहले मैं टॉपिक निपटा लूं यार, क्योंकि वो बाद में फिर वॉइस ओवर करते वक्त ना डिस्ट्रैक्ट करता है। तो दो मिनट लगा के सबसे पहले अपना टॉपिक निपटा लेता, उसके बाद मस्त जॉर्ड लेवल गेम प्ले चलेगा, जॉर्ड लेवल वॉइस ओवर चलेगा, तुम्हें मजा आ जाएगा। और बाकी लाइक करके फुल स्क्रीन कर लो, क्योंकि बहुत सारी लाइक करने की वजह देने वाला, बीच में डिस्टर्ब हो जाओगे। तो देखो आज का बहुत ही ज्यादा सीरियस टॉपिक है, अभी अभी आईसीयू से लेके आ रहा हूं। तो भैया 100% कॉन्करर पॉइंट हो चुका है, लेकिन कॉन्करर नहीं मिल रहा है। कॉन्करर कैसे मिलता है क्या करूं बताओ, इतना सब तो प्लस कर दिया है, बीच में वाले दे क्यों नहीं रहे हैं। कॉन्करर की बात कर रहा हूं। अब देखो 100% कॉन्करर पॉइंट्स करने के बाद भी आप लोगों को कॉन्करर इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वहां पे पॉइंट जो रीसेट होता है ना, वो सुबह सुबह 5:30 बजे रीसेट होता है। और वहां पे रीसेट पॉइंट कितना होता है, जो टॉप 500 में बंदे थे जिनको कॉन्करर मिला है उनके पॉइंट्स होते हैं वो। सुबह जितने पॉइंट्स पे लास्ट 500 नंबर वाले बंदे को कॉन्करर मिला है, वहां पे बीच में वाले वो पॉइंट्स अपडेट कर देते हैं। और वो इसलिए अपडेट करते हैं तुम्हें दिखाने के लिए कि तुम कॉन्करर से इतना दूर रह गए हो। अब जैसे कॉन्करर मिला आज सुबह 5:30 पॉइंट पे, ठीक है, आज सुबह 5:30 बजे सबको कॉन्करर मिला है 5500 पॉइंट्स पे, और तुम्हारे थे 5400। तो वहाँ पे तुम्हें 100 पॉइंट्स दिखा देगा कि तुम 100 पॉइंट से पीछे रह गए हो, बस ये होता है उसका मतलब। अब तुम खेलोगे 100% कॉन्करर का पॉइंट करोगे, लेकिन वो पॉइंट था 6 तारीख का, ठीक है, अब तुम्हें कॉन्करर मिलेगा 7 तारीख को, तो पूरा एक दिन का गैप है। तो जो बंदे पहले से टॉप 500 में थे वो और प्लस नहीं करेंगे क्या? वो प्लस करते हैं, इसलिए आप लोग टॉप 500 के बाहर हो जाते हो। तो देखो वहाँ पे जो भी तुम्हें टारगेट दिखाता है कॉन्करर का, वो होता है सुबह सुबह 5:30 बजे का, उससे तुम्हें एक्स्ट्रा करना ही पड़ता है। अब तुम अगर समझ गए तो बढ़िया, नहीं समझे तो बढ़िया, तो समझ गए तो बढ़िया, नहीं समझे तो और बढ़िया। जय गिरधारी, बाढ़ में जय दुनियादारी, कांग्रेस के पॉइंट्स के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। डेली आओ वीडियो देखो, तुम्हारा भाई डेली वीडियो में डेली का कांग्रेस का टारगेट बता देगा कि कितने पे कांग्रेस मिल रहा है। आज का भी बता दूंगा। क्या 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 इतना ध्यान से क्या सुन रहे हो, बता दूंगा भी, इतनी पूरी वीडियो बाकी है, कहीं ना कहीं बता ही दूंगा। और बाकी देखो कल की वीडियो में बोला गया था, अगर अपनी वीडियो पे 1100 का लाइक टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो तुम्हारा भाई बेस्ट जगह बताएगा इवेंट पे लैंड करने की, जहां पे आप लोग इजी सर्वाइव कर सकते हो। अब देखो मैं तो बताने को तैयार बैठा हूँ, लेकिन अपनी 1100 लाइक की देखो बातचीत हुई थी, तुमने 1300 करा दिया, तो इसलिए अब मैं नहीं बता रहा। अरे मेरा मतलब था कि मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं सीधा दिखा रहा हूँ। देखो ये है वो जगह, यहाँ पे लैंड करना है आप लोगों को, यहाँ पे आप लोगों को गन भी मिल जाएगी और ये डब्बे अब्बे का कवर भी। देखो बस कैसे फाइट निकालेगा तुम्हारा भाई। अब देखो मजाक चट के, जब से ये रद्दी मोड आया है ना, मैंने इवेंट पे 4 किल से ज्यादा नहीं देखे कि 4 किल से ज्यादा भी निकलते हैं, लेकिन जब से तुम्हारे भाई को ये वाली जगह पता चल गई है, मतलब तुम्हारा भाई पूरा इवेंट खाली करके निकलता है। देखो अब देखो इवेंट पे कहीं पे भी लैंड कर जाओ, कोई ना कोई कहीं से भी एंगल निकाल के बजाई जा रहा था, लेकिन ये वाली जगह बढ़िया। तुम देखो यहाँ होल्ड कर सकते हो, बाकी नीचे जा सकते हो एकदम आराम से, बिल्कुल आराम से सर्वाइव कर सकते हो। अब देखो मुझे नीचे से एक बंदे के मटकने का साउंड आ रहा था, देखा है, इस वाले एंगल की बात कर रहा था, कहीं से भी बजा दिए जाओगे, यही वाली बेस्ट जगह है, यहाँ रहोगे तो तुम्हारे ऊपर बहुत ही कम एंगल बनेंगे, और बाकी खड़े रहोगे ऊपर में तो कोई ना कोई बजा ही जाएगा। और जो नीचे से आवाज आ रही थी वो अब चलते हैं, वो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है यार, समझा करो बात को। अब देखो जब मैं ऊपर था तब मेरे को किसी बंदे के मटकने का साउंड आ रहा था, और जब मैं नीचे आया तब किसी बंदे के रगड़ने का साउंड आ रहा है, मतलब बंदा ऐसे रपट रखा है, मतलब लेट रखा है यार कहीं पे, तुम समझ जाओ। अब देखो तुम्हारा इस बंदे को क्या ही भरने वाला है, अंदाजा देखो तुम मेरा, और देखो ये बंदा बैठा कहाँ है। अब एक नेट काफी है तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख पीड़ा बिटाने के लिए विद जिंदगी। अब उन भैया जी को तो एकदम इजीली निपटा दिया था। अब देखो आगे की साइड को आता हूं, अब यहाँ पे एक बंदे के मटकने का साउंड आ गया था जो कि ऊपर की साइड को मटक रहा है। वो भैया जी अपने ऊपर नेट मोली ट्राई करते हैं, लेकिन अपना नेट देखो, अब मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें कहीं जाना है? नहीं जाना ना, पूरी वीडियो देख के जाओगे ना, तो भाई क्यों बिना मतलब के हर बंदे को पहले नेड में फोड़वा देते हो बिना मतलब के? अबे थोड़ा सर्वाइव करने दो, एक आधे बंदे को दूसरे नेड में फोड़ा जाएगा, देखो बेचारे ने थोड़ी देर सर्वाइव करा ना आराम से, बस
अब बाकी सब हटाओ। देखो ये जो रिफ्लेक्स में तुम्हारे भाई ने अभी जंप मारा है ना, इसके लिए लाइक कर दो। मतलब नेट फटे सदियां बीत गई हैं, उसके बाद में जंप कर रहा हूँ कि कहीं उससे मर ना जाऊं मैं। अब बाकी देखो, अब पूरा इवेंट खाली करके तुम्हारे भाई यहाँ से एकदम आराम से ये हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर करता हुआ निकल जाता है एकदम आराम से। और हाँ, तुम बोलोगे अभी एक बंदा और बाकी है, उसको मैं बंदों में नहीं गिनता भैया। वो फुटस्टेप कुछ देगा नहीं, कोई फायदा नहीं है, भर देगा बिना मतलब के। अब देखो तुम्हारा भाई पोचिकनी चमेली आ गया तो सामने की साइड एक भैया जी एकेएम से निपटाने में लगे पड़े। पता नहीं बंदा मार रहे, बॉट मार रहे, जो भी मार रहे, सामने की साइड एक बंदा है। तुम्हारा भाई जा रहा था उतने में उन भैया जी ने अपनी भी मुंह दिखाई कर ली है। देखो अभी देखो मजाक सेट के मैं बस पीक लेके ऐसे देख रहा था कि बंदा है कहाँ पे, कहाँ है, स्पॉट हो जाए फिर जाके फाइट लू। भैया जी पीक लेके पूरे निपटाने के मूड में थे, तो तुम्हारा भाई भी अभी देखो फाइट लेने के मूड में आ गया। लेकिन मूड का बनाओ चार, वो बंदा निकल गया वहां से बग्गी लेके, तो अपन भी निकल लेते क्योंकि देखो अपने को तो बंदे ढूंढने ही है। एक तो हाथ में DPS, दूसरा हाथ में रिकॉल चुल की कमी है नहीं, तो देखो बंदे तो ढूंढने पड़ेंगे। अभी देखो स्क्रिप्ट कैसे चलती है, अभी इवेंट खाली करके आया, अच्छे खासे किल्स हो गए, उसके बाद बंदे ढूंढ रहा हूँ, उसके बाद जब बंदे ना मिले तो तुम्हें आ जाना है ड्रॉप पे। अब बाकी देखो मैं बड़ा आलसी इंसान हूँ, मैंने तुम्हें पूरी स्क्रिप्ट बता दी ना, उस हिसाब से तुम्हें बंदे ढूंढने हैं। मेरे को कद्दू कोई नहीं मिला, मैं तुम्हें क्या दिखाऊं कट कर करके। तो चलो सीधा लास्ट जोन में चलते हैं। तुम्हारा ये जोन के एज पे गाड़ी वाड़ी घुमा रहता है होल्ड करने के लिए, तो देखो सामने की साइड एक बंदा स्पॉट हो गया था। अब देखो यार बेचारा कितना मासूम बंदा है, बताओ इतने बड़े रेंगल में एक अबला आदमी बिना गाड़ी के लास्ट जोन में अकेला घूम रहा है। तो चलो इसे मुक्ति दे, अगले मैच खेलेगा जाके एकदम आराम से। हर हर महादेव। और मजाक सेट के भी अगर मैं यहाँ पे निपट जाता ना, इतनी ज्यादा खुंदक आती अपने ऊपर, भाई सब चलती गाड़ी से क्यों कूद जाता मैं। और अभी देखो बंदे कितने ज्यादा लाइव है, सर्कल इतना ज्यादा छोटा हो रखा है क्योंकि पूरा का पूरा जोन बन रखा है अपार्टमेंट का। हर फ्लोर पे तुम्हें चार बंदे मिल जाएंगे चार अलग अलग कमरे में। तो तुम्हारा भाई जाता है सीधा कंपाउंड पे गाड़ी ठोकने अपार्टमेंट पे, और देखो कैसे पोजीशन निकाली जाती है। अब देखो स्क्रिप्ट के अनुसार लास्ट जोन में आप लोगों को अगर किसी भी बंदे को ऊपर पुश करना है तो आप लोगों के हाथ में एक शॉटगन होनी चाहिए। लेकिन भैया हमें तो चलानी नहीं आती, तो मैंने कब बोला चलाने के लिए चाहिए तुम्हें, तुम्हें बस होनी चाहिए, सामने वाले की देख के पड़ जाती। अब ये बग्गी वाला बंदा जस्ट मौत को छू के टक से वापस गया है, वरना तो तुम्हारा एकदम आराम से उतार ही देता और बाकी इसी कमरे में पूरी जिंदगी निकाल देता। और जी मेरा कद्दू जाए फाइट लेने आगे, पता नहीं अपार्टमेंट में कौन कहां से डस ले। This is how उड़ता बंदा जमीन पे लाओ। अब मैं तो गया था बियर डैम वाले बंदे को देखने, अब ये उड़ता बंदा बिना मतलब के अपने हत्या चढ़ गया। अभी इन भैया जी को भी एकदम आराम से निपटा देता है, अपने हो जाते अच्छे खासे 10 किलो। और अपने अलावा देखो अभी धीरे धीरे करके सब निपट जाते हैं, यार पता नहीं क्या इन्हें लड़ने का इतना ज्यादा शौक है। मैं तो एकदम देखो शांति का प्रिय आदमी बन के इसी कोने में बैठा रहा। अभी देखो इन भैया जी को निपटाने के बाद अच्छे खासे सगुन के 11 किल हो गए। तो और अपने अलावा बच रहे अब लास्ट के 2 बंदे, और तुम्हारा भाई पहले हील बैटल की तैयारी करने लग जाता है, हीलिंग उठाने लग जाता है। और बाकी सामने वाले अपार्टमेंट से एक भैया जी के मटकने का साउंड आ गया है। तो देखो एक नेट काफी है तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख दर्द पीड़ा मिटाने के लिए विद जिंदगी। अभी देखो अपने अलावा लास्ट बंदा बाकी है जो की अपने जस्ट ऊपर की साइड, और उसने अभी अपना नेट देख लिया। पता नहीं भैया जी को क्या चुलती है, एकदम से पुश करने आ गए। ऐसे उसे पता नहीं था मेरे हाथ में DPS है क्योंकि उसके हाथ में शॉटगन थी ना। अभिन भैया जी को भी एकदम आराम से निपटा दिया था, और अपना हंसते खेलते 13 किल के साथ में चिकन हो जाता। और बाकी प्लस देखो अभी बात करें अपने सेकंड गेम प्ले की, तो देखो इस वाले मैच में भी तुम्हारा भाई उसी जगह पे लैंड करने वाला, और टोटल किल्स कितने निकालने वाले और टोटल कितने का प्लस मिलेगा वो चीज देखना। और बाकी बातचीत कर ली जाए, देखो कल है 8 जून, बोले तो एक छोटा मोटा सा स्पेशल दिन है, इतना ज्यादा भी खुश मत हो, इतना भी कोई खास दिन नहीं है, बस पैदा हुआ था मैं, कल बर्थडे है तुम्हारे भाई का। तो देखो एक तो तुम्हारा भाई इतनी सारी तुम्हें लाइक करने की वजह देता रहता है, अपनी आज की वीडियो का लाइक टारगेट रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ 1151 लाइक्स का, जो कि अगर कंप्लीट हो जाता है तो कल तुम्हारा भाई बर्थडे स्पेशल पे तुम्हारा भाई लेके आएगा डबल चिकन डिनर गेम प्ले। और बाकी देखो तुम्हारा भाई लाइक करने की नॉर्मल वजह देता है, कल तुम्हारा भाई देगा तुम्हें रिपोर्ट करने की वजह, और जो भी बंदे अपनी हर वीडियो देखते हैं उन्हें पता है रिपोर्ट करने की वजह कैसी होती है।
अब लो इसके लिए लाइक कर दो, ये छोटू मोटू सा रिफ्लेक्स अगर पसंद आया हो। बाकी देखो पूरा इवेंट कैसे क्लियर करा जाएगा और टोटल कितने किल्स निकालने वाला हूँ। अब ये भाई साहब ऊपर की साइड से काफी देर से परेशान करने में लगे पड़े थे, तो इनके सामने लूटने का नाटक कर रहा था लेकिन मैं सही में लूटने लग गया। और बाकी भैया जी जैसे ही पीक करते एकदम आराम से टंटना देते हैं, बाकी टन तो एक भी ना लगा। और बाकी देखो नीचे की साइड से एक बंदे का मटकने का साउंड आया था, तो लो फिर स्वाहा। अभी देखो क्राफ्टन की मैडम के छोटे मोटे से गिफ्ट आ गए थे, तो उन्हें लेने के बाद तुम्हारा भाई वहां से शांति से निकल लेता है, क्योंकि अब जो बंदे वहां पे बचे हैं उन्हें भी पता है, मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है कि वो बंदे नहीं हिलने वाले, बिना मतलब के डस डसा लेगा एक आधा, तो तुम्हारा भाई निकल लेता है। उसके बाद देखो तुम्हें नॉर्मल अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से खेलना है, इवेंट पे गए किल्स निकाले अपना रिकॉल बचाया वहां से निकल लिया, उसके बाद अब तुम्हें बंदे ढूंढने हैं, बंदे ना मिले तो सीधा आ जाओ ये ड्रॉप पे, क्योंकि ड्रॉप पे तो 100% बंदे मिलेंगे ही मिलेंगे, स्क्रिप्ट के हिसाब से खेलना है ठीक है। अब देखो मैं तो लूटने लग गया था, तुम्हें लूटना नहीं है, तुम्हें मेन बंदे ढूंढने के लिए आना है, वरना तुम्हें कोई डस लेगा। अबे वे भाई इतने ज्यादा भयंकर लेवल के बंदे हैं ना, अब चलो तूने कैंप कर रखा है ठीक है, लेकिन बंदा तो निपटा दे यार, तेरे तो गाड़ी का टायर ही क्यों फूटता है, जिसको देखो गाड़ी का टायर फोड़ देगा। अभी देखो मैं पूरा घूम के आया, इस बंदे ने मेरे ऊपर एक स्प्रे नहीं लिया ठीक है, अभी मेरे ऊपर नेड मॉली आने लग गया, तो मुझे लगा मैं भर दिया जाऊंगा, मैं सामने की साइड जा रहा था कि सामने की साइड बंदा होगा। अब ये बंदा वहां चढ़ के बैठा हुआ है और वहां से इसको एकदम बढ़िया एंगल बन रहा है कि ये मेरे को पहले फिनिश कर सकता था, स्प्रे ही नहीं लिया भाई साहब ने, इतने ज्यादा नेक्स्ट लेवल कैंपर बंदे हैं ना। अब मैं क्या ही बोलूं यार, मेरे अच्छे खासे मैचेस ना ऐसे ही बर्बाद होते हैं, बिना मतलब के यहाँ मर गया। अब देखो जल्दी से लूट कंप्लीट करने के लिए तुम्हारा भाई डायरेक्ट ड्रॉप पे आ जाता है, अब यहाँ पे पहले से बंदा है, अब अगर मैं गलती से भी ठिल गया तो अच्छे खासे 7 किल की यहाँ हो जानी है और मैं इधर से निकल भी नहीं सकता। अगर ये बस्ता पहन के गया ना वो बंदा 4 बार पेट ही डाल देगा मेरी, और ऊपर से देखो उसके पास हाइट का एडवांटेज भी है, वो ऊपर से एकदम इजी निपटा सकता है, लेकिन अब देखो तुम्हारा भाई कैसे निपटाएगा उस बंदे को। अब भैया जी ने अच्छी खासी ग्लेशियर तो चमकाई थी, लेकिन तुम्हारा भाई आए ओपन में इसलिए था कि भैया जी जब तक एम सेट करेंगे उतने में अपन निपटा देंगे, अभी भैया जी को निपटा दिया था, अपने पास अच्छी खासी लूट हो गई थी, अब चलो सीधा लास्ट जोन में, क्योंकि गाड़ी नहीं है ना अपने पास, उड़ते फिरते जाओ। अभी देखो अगर ऐसे जोन में जाऊंगा ना तो अपने को कोई भी धर लेगा। और बाकी सामने बग्गी दिख रही है, हाँ मेरे को भी दिख रही है, बाकी उस बंदे को शायद से मैं भी दिख गया हूँ, क्योंकि भाई साहब वापस आते हैं, लेकिन अभी देखो सीन, अभी जिन भाई साहब ने अपनी व्हीकल की ख्वाहिश पूरी कर दी एकदम आराम से, अपने को ब्रांड न्यू व्हीकल मिल गया। और बाकी अभी अगर मेरी जगह कोई और बंदा होता तो टकला बाद में फूटता गाड़ी का टायर, पहले फूटता। अभी देखो मैं ये गाड़ी लेके आराम से पूरा रेंगल नाप सकता हूँ, इतनी ज्यादा एकदम फ्रेश गाड़ी है, लेकिन अभी रेंगल नहीं नापना है, अभी बंदों के टकले नापने। अभी देखो तुम्हारा इस जोन के सेंटर में आके बैठ गया था, अभी देखो अपने कार स्प्रे, अभी देखो अभी जो तुम लोगों ने मेरे कार स्प्रे देखे ना, इसमें तुम्हारे भाई की जो ओबीपी है वो आधी एक्सपायर हो गई थी यार, एक ही हेड लग रहा है हर गाड़ी में, 2 हेड लगते बंदा गाड़ी से बाहर होता है, इसकी बहस के मजे ही मजे। बाकी तुम कोई दिक्कत नहीं है, देखो तुम लाइक टारगेट कंप्लीट कराओ, कल तुम्हारा भाई तुम्हें देगा रिपोर्ट करने की वजह। टन ऐसी कौन ताका जाके कर रहा है, देखो देखो बेशरम को देखो। अब ये भैया जी बिना मतलब के तागा झागी कर रहे थे, अभी भैया जी को निपटा के अपने अच्छे खासे 10 किल हो गए, तो उतने में अपने को पीछे की साइड से एक बंदे के उड़ने का साउंड आता और देखो इन भैया जी के साथ में फाइट। देखो मैं यहाँ पे बीच में पता है रुका क्यों था, मैं वापस चेक के अंदर आना चाहता था, पता नहीं ये मेरी बहुत ही ज्यादा बेकार आदत है, जब भी मेरे हाथ में M4 होती है ना क्लोज रेंज में, मैं सोचता हूँ पहले गन चेंज कर लूँ, क्लोज रेंज वाली गन ले लूँ हाथ में, फिर एकदम आराम से निपटा दूंगा, उसके चक्कर में निपट जाता अभी। अब फिर मरते मरते बचा मैं, भाई साहब बेशर्मी की भी एक हद होती है, ओपन में जाके एकदम आराम से पेटी लूट रहा और वो भाई साहब एकदम फुर्ती में अपने ऊपर पुश भी कर देते हैं, अभी अगर हेल्थ ना लगा रहा होता तो गाड़ी से बाहर कर देता। अभी इन भैया जी को भी एकदम आराम से निपटा दिया था, अपने अच्छे खासे 12 किल हो जाते हैं और बाकी अपना व्हीकल का जुगाड़ भी हो जाता है, क्योंकि अपनी बग्गी के साथ में किसी बंदे ने अय्या करा ली थी ना, मतलब भाई साहब पता नहीं क्यों टायर फोड़ के जाते हैं बंदे। और अब देखो नेक्स्ट सर्कल में मैं कहां जाके पोजीशन निकालता और कैसे होल्ड करता और बाकी मेरे साथ जो मूवी में वाला सीन हुआ है, अब कपल आरबी की कितनी ज्यादा कम हेल्थ होती है और मैंने MG3 से फायर करा, अब तुम सीन देखो यहां पे। अब ध्यान से देखो, पहले तो सामने वाले बंदे ने पूरा एक स्प्रे लिया है अपनी कपल आरबी पे ठीक है,
अब मैं क्या बोलूं नहीं बताओ, कपल आरबी की इतनी कम हेल्थ होती है, अभी अगर मैं इसे चला रहा होता ना तो 2 सेकंड में फूट जाती पूरी MG3 खाली कर दी है, फूट ही नहीं रही है, फूट जाती पहले तो मैं कवर में आ जाता एकदम आराम से, इसके चक्कर में मर गया। खैर अब क्या ही कर सकता है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूं मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्याम सारे भाइयों को, थैंक्स फॉर वॉचिंग।